हेलो माय फ्रेंड, नमस्ते और प्यार भरा सलाम। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मैं अपना एक अमेजोन स्टोर के बारे में। तो फ्रेंड, यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं एक अपना अमेजोन पर एक स्टोर बनाया हूँ, जिसमें कंस्ट्रक्शन लाइन में यूज होने वाला जो भी टूल्स होता है उसका मैंने एक यहाँ पर लिस्ट बनाया है। यहाँ से अगर आपको कुछ भी इस तरीका का टूल्स चाहिए, पाइपिंग एंड स्ट्रक्चरल फिटर और फैब्रिकेटर का जो यूज होने वाला होता है कंस्ट्रक्शन लाइन में, वेल्डर का भी कुछ सामान चाहिए आपको, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप इस तरीका से इसे ओपन करेंगे, इस तरीका से आपको पूरा लिस्ट में दिखाई देगा कि इसमें क्या क्या है। देख सकते हैं, इस तरीका का अगर आपको कुछ भी टूल्स लेना हो तो यहाँ से आपको बहुत सारा टूल्स जो है मिल जाएगा, सेफ्टी का या फिर वेल्डिंग वगैरह का, ग्राइंडिंग मशीन, मेजरमेंट टेप, इस तरीका का मार्क्स वगैरह लेना हो, ड्रिल, इस तरीका का होल मेजरिंग करने वाला बीट अगर लेना हो, गैस कटर में यूज होने वाला इस तरीका का ये सब प्रोडक्ट है। उसके बाद इस तरीका का गोगल लेना हो या फिर ये डिस्क कटर लेना हो, इस तरीका का वेल्डिंग मशीन लेना हो, ड्रिल मशीन लेना हो, या फिर आपका जो गैस वेल्डिंग करने के लिए जो फ्लो मीटर होता है, इस तरीका का अगर आपको लेना हो तो ये भी ले सकते हैं। और ये जो फ्लो मीटर है ये ऑक्सीजन देने के लिए है, और ये जो है रेगुलेटर LPG का रेगुलेटर है। यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीका से आप यहाँ पर अगर आपको गैस कटर सेट लेना हो, टॉर्च लेना हो, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको, ग्राइंडिंग मशीन। और यहाँ पर देख सकते हैं ये डिस्क कटर ग्राइंडिंग मशीन है, टाइल्स कटर ग्राइंडिंग मशीन है, हीटिंग टॉर्च है, AC का जो प्रेशर सेट किया जाता है उसका यहाँ पर गेज भी मिल जाएगा आपको। ये जो है फायर एरेस्टर इसे बोला जाता है, फायर को रोकने के लिए होता है, गैस कटर में ही इसको यहाँ पर लगाया जाता है ताकि इसमें अगर आग वगैरह भी अगर अंदर चला जाए तो इसे ये जो है रोक लेता है यहीं पर। तो इस तरीका का अगर आपको टूल चाहिए तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इस तरीका का ये गैस कटर जो होता है, पग मशीन, इस तरीका का भी मिल जाएगा। गैस वेल्डिंग जो होता है, जो लोकल लोग करते हैं, उसका भी आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा। और पाइप फिटर का जो टूल्स होता है डिग्री वगैरह चेक करने के लिए, वेल्डिंग चेक करने के लिए कितना हाइट वेल्डिंग है, या फिर पाइप का ओवरलैप चेक करने के लिए ये जो होता है, ये टूल्स होता है, ये वेल्डिंग का हाइट वगैरह और डिग्री वगैरह चेक करने के लिए टूल्स आता है। वेल्डिंग गोगल हो गया, वेल्डिंग मशीन, डिग्री प्रोटेक्टर, स्पीड लेवल वगैरह, राइट एंगल, हैमर, देख सकते हैं बहुत सारा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। टूल बॉक्स लेना हो इस तरीका का, मेजरमेंट टेप लेना हो, या फिर आपको कैलकुलेटर वगैरह लेना हो, यहाँ पर आपको पूरा बॉक्स मिल जाएगा। हैमर, स्पैनर, स्क्रू ड्राइवर का पूरा सेट, इस तरीका का स्पैनर सेट लेना हो तो ये सब आपको यहाँ से ये सब मिल जाएगा। अगर इसमें अगर आपको कुछ भी कंस्ट्रक्शन लाइन में यूज होने वाला प्रोडक्ट अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, मैं अपना स्टोर में ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। ये जो ग्राइंडिंग मशीन देख रहे हैं, ये घर के अंदर जो केबल लगाने के लिए दीवार को कटिंग करते हैं, वाटर लाइन या फिर केबल लाइन, उसके लिए ये मशीन है। वेल्डिंग मशीन का रॉड वगैरह चाहिए तो भी यहाँ पे आपको मिल सकता है। हैंड ग्लव्स वगैरह चाहिए लेदर का तो वो सब यहाँ पे मिल जाएगा। ये ओवन है, वेल्डिंग हेलमेट हो गया, सेफ्टी बेल्ट, सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी शू, ये सब आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आर्गन वेल्डिंग करने के लिए जो हमें टॉर्च का जरूरत पड़ता है कंस्ट्रक्शन लाइन में, वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। और ये हमारा स्टोर का लिंक जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जा सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या क्या वहाँ पर प्रोडक्ट ऐड है और क्या क्या प्राइस है, क्योंकि मैं इसमें प्राइस आपको दिखा नहीं सकता। प्राइस अगर चेक करना है तो आपको हमारे स्टोर पर आना होगा। तो फ्रेंड, ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इस तरीका से वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और नीचे इस तरीका का रेड बटन होगा उसे आप दबा लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे।